मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइम क्या चीज होती है? किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट टाइम करता है ए बॉडी थ्रोन विद सब इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसी भी बॉडी को थ्रो करना, ठीक है, सब इनिशियल वेलोसिटी कुछ शुरुआती वेलोसिटी के साथ विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड देन अलाउ टू मूव, बाद में जो बॉडी मूव करेगी इन टू डायमेंशनल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के अगर किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं थ्रू द विंडो, ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल का काम करेगी। ठीक है, या फिर कोई पीस ऑफ स्टोन है हमारे पास, ठीक है, उसको ऐसे थ्रो करते हैं तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। यही तो बना। देखो मेरे पास कोई अगर पीस ऑफ स्टोन है, मैंने उसको ऐसे थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल चलाया। कैसे चलाया? देखो ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या किया मैंने उसको थ्रो किया विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैंने उसको थ्रो किया। एंड देन अलाउ टू मूव, और बाद में क्या अलाउ करेगी? टू डायमेंशन को अलाउ करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। किस इफेक्ट के कारण? ग्रेविटी इफेक्ट के कारण। इसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रहे थे ना, ये मेरे पास कोई पीस ऑफ स्टोन है, ठीक है, इसको मैंने कुछ थ्रो किया, ये प्रोजेक्टाइल कहलाया। ठीक है, सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउ टू मूव इन टू डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द पाथ फ्लोन बाय प्रोजेक्टाइल, ये जो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल के द्वारा फ्लो हुआ है इसको बोलेंगे हम ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये जो पाथ जो फ्लो किया है प्रोजेक्टाइल के द्वारा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई पीस ऑफ स्टोन है, इसको थ्रो किया सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो ये पीस ऑफ स्टोन कुछ इस प्रकार गया और वापस फिर नीचे आ गया। मेरे पास तो पीस ऑफ स्टोन है, जब मैं इसको ऐसे थ्रो करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का है, किसका पकड़ेगा आगे जाके आए तो नीचे का ही, तो वही ये पीस ऑफ स्टोन है, इसको थ्रो किया वापस नीचे आया। ठीक है, ए से बी गया और बी से सी तक गया, बी इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा और फिर क्या आएगा? नीचे आएगा, यानी कि वहाँ वेलोसिटी, अब ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, अब ये जो वेलोसिटी है ये वाई डायरेक्शन की है तो वी वाई क्या होगा? यहाँ जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आया है, अगर वेलोसिटी वहाँ जीरो नहीं होती तो वो ऑब्जेक्ट वो ऊपर जाता। ठीक है, तो ये वी वाई जीरो क्यों हुआ पता चला? यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो हो गई तभी ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, और ए से बी तक मान लो टाइम टी लिया है, बी से सी तक भी टाइम टी लिया है। ठीक है, ए से बी तक जाने में टी और बी से सी तक आने में टाइम टी। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये इसका क्या है? मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट इसने मैक्सिमम पकड़ी है, और ये ए से लेके सी तक ये क्या है? इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ए से सी तक क्या है? इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ग्रेविटी इसके नीचे काम करेगी। ठीक है, ये सब इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर मैंने देखा है तो यू, यू का अर्थ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट पता ही आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर यू कोस थीटा और परपेंडिकुलर पर साइन थीटा, तो इसका कंपोनेंट यू कोस थीटा, इसका कंपोनेंट यू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं मोशन को कंसीडर करूंगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर, देखते जाओ। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो यू एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? यू कोस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? यू कोस थीटा। पहला क्लियर, ए एक्स, ए एक्स का मतलब एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट तो वाई डायरेक्शन के अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस पर क्या होगा? जीरो, यानी ए एक्स क्या है हमारा? एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वी एक्स क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्स के मोशन होंगे कंसीडर। अब वाई की कंसीडर करूं तो यू वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई यू साइन थीटा और ए वाई एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्योंकि ये मूव कर रहा है इन वाई डायरेक्शन और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस जी, नीचे की तरफ। लेकिन वी वाई जीरो होगी, वेलोसिटी ऑन वाई एक्स जीरो होगी,
मैक्सिमम हाइट पर, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आया, vy क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी है वो फर्स्टली तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ए से बी तक थ्रो किया, ए से बी तक, तो ये क्या होगी, डिक्रीज ये वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इसका अपोज करेगा, ठीक है, ए से बी तक डिक्रीज और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। और नीचे आते वक्त वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये लिख रखा मैंने, v फर्स्टली क्या होगी, डिक्रीज, मैक्सिमम पे जीरो एंड देन इंक्रीज, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें ना प्रोजेक्ट के अंदर तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी इस ऑब्जेक्ट ने ए से सी तक कितना टाइम पकड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कितना टाइम लिया है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी मैक्सिमम हाइट कितनी पकड़ी है, हाइट मैक्सिमम, ये निकालेंगे। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज ए से सी तक का कितना निकला है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप